प्रथमे गुरु को वंदना दूजे मनाऊं गणेश नमन करूं माता पिता को मिलते रहे उपदेश कलयुग में सद्गुरु मेरे काटे सभी कलेश मथुरा वाले गुरुदेव की सुन लो कथा विशेष सुनो सुनाऊं कथा अनोखी मन का दूं मैं भरम मिटाए ध्यान लगा कर सुनना भक्तो जय गुरुदेव जो नाम कहाय नहीं नाम गुरुवर का है ये सांची सांची दू बतलाए जय गुरुदेव रखा है हमने नाम तो तुलसीदास कहाय दूध बांटने वाले का जैसे दयो दूधिया नाम धराय ऐसे ही बाबा तुलसीदास जी जय गुरुदेव रहे कहलाए बांट रहे गुरुदेव नाम को जिनकी रही है महिमा छाए जय गुरुदेव रखा भक्तों ने असली तुलसीदास कहाय मंदिर भव्य बना मथुरा में जिसकी शोभा कहीं न जाए लाखों लोग दर्शन को आवे बाबा रे सत्संग सुनाए भव से पार सहज हो जावे जो सत्संग धार में नहाए बहे यहाँ सत्संगी धारा या मैं डुबकी ले लगाए ध्यान भजन कर ले तू बंदे बिगड़े ले नसीब बनाए एक बार दर्जा कर देखो बाबा रे हैं कष्ट मिटाए लक्खी मेला लगे यहाँ पर भीड़ यहाँ पर नहीं समाए अगेन सुधी दशमी को लागे भंडारा मेला कहलाए दूजा होली मेला लागे गुलाल रहे हैं छाए तीजा मेला गुरु पूर्णिमा गुरु के दर्शन रहे हैं पाए भक्त यहाँ गुरु के चरणों में अपना शीश रहे हैं झुकाए नाम दान ले करके गुरु से ज्ञान प्रभु से रहे लगाए नाम दान ले करके गुरु से विदेशी दर्शन करने बारह मास रहे हैं आए मंदिर की शोभा के आगे रहा स्वर्ग है खड़ा लजाए शीतल मंद सुगंध समीरा मन मंदिर को रही लुभाए स्वामी जी अपनी वाणी से अमृत धार रहे बरसाए अमृत पान करा के स्वामी सबके मन को रहे हरसाए चले काफिला स्वामी जी का नाम दान देते हैं जाए मथुरा आश्रम पर जा देखो गौशाला दीनी बनवाए बहुत बड़ा स्कूल चले है पेट्रोल पंप दियो लगवाए अखंड भंडारा चलता है चाहे कोई भी जाए खाए सभी धर्म के नर नारी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भावना यहाँ नहीं है नर नारी सब एक काय जन्म भूमि पर भी स्वामी ने ऐसा ही मंदिर दियो बनवाए नील की कोठी ग्राम की तोरा जिला इटावा जो कहलाए जो सुख चाहो जीवन में तो अपनों लीजे गुरु बनाए जो नर अपनों गुरु न बनावे चौरासी में ठोकर खाए नाम दान गुरु से जो ले ले उसको ही मुक्ति मिल जाए
दान पुण्य निगुरे मानुष का कभी नहीं हासिल में आए। कथा सुनो तुम अब आगे की, भक्तो सुनियो ध्यान लगाए। स्वामी जी के प्रभु मिलन की जीवन गाथा रहो सुनाए, जीवन गाथा रहो सुनाए। नील की पोटी ग्राम की तौरा में था एक छोटा परिवार, ये तहसील भरत नाम है, जिला इटावा है जगजार। जन्म लिया यहाँ पर स्वामी ने, खुशियों से महका परिवार। बजे बधाई बाबा के घर, दिल में उठी उमंग अपार। मात पिता के संग में खेले, एक साल कर ली नी पार। छोड़ के एक वर्ष का इनको, पिता गए पर लोक सिधार। मातम छाया फिर इस घर में, माता को भय दुख अपार। बीच भमर में छोड़ चले गए, कैसे होगी नैया पार। ना जाने कब इसे बुला ले, उसकी लीला अपरंपार। एक दिन काल सभी को खाता, जानत है सारा संसार। माता के संग खेलत कूदत, बीत गई फिर बरसे चार। पांच साल के हो गए स्वामी, माता एक दिन रही पुकार। बेटा मेरे करीब आओ, करने लगी कुंवर से प्यार। ममता से भर गया हृदय तब, बहन लगी आंसुओं की धार। बाबा कहने लगे मैया से, मैया कुछ तो बचन उचार। कहन लगी बाबा से मैया, बेटा सुन ले बचन हमार। मैं अब दुनिया से जाऊंगी, टूट रहे हैं जीवन तार। बचन हमें दे दो तो बेटा, मांगू तुमसे बारंबार। प्रथम बचन मेहनत कर खाना, करना तुम सबका उपकार। दूजा बचन प्रभु को पाना, खुद को तुम अब लियो संवार। दूजा बचन प्रभु को पाना। लेकर वचन गई माता, गई उदासी तन पे छाई। सिर धुन धुन कर बाबा रोए, मैया मैया रहे चिल्लाए। पार पड़ोसी सब जुड़े आए, इनको धीरज रहे बंधाए। ज्यादा ना बिल्लाप करो तुम, एक दिन काल सभी को खाए। अंतिम संस्कार कर दीनो, बाबा रहे बैठे घबराए। याद उठे फिर वचन मात के, प्रभु को जन पूरे हैं जाए। जंगल जंगल भटकत डोले, ईश्वर इनको नहीं लखाए। नाग तड़ाग नदी में ढूंढे, नैनन से रहो नीर चुचाए। बड़े बड़े पंडा और साधु, कपड़ा इनसे रहे धुलवाए। तीरथ व्रत सब किए इन्होंने, फिर भी ईश्वर ना मिल पाए। गीता रामायण महाभारत, दूर दूर तक सुन ली जाए। ईश्वर से मिलने का इनको कोई रास्ता नहीं लखाए। कथा सुनो तुम अब आगे की, एक मस्जिद में पहुँचे जाए। दुखी देख मौलवी साहब ने, मस्जिद भीतर लियो बुलाए। पास बिठा कर पूछन लागे, राही कहाँ रहे हो जाए। निराश होकर स्वामी बोले, प्रभु को खोजन रहा हूँ जाए। निराश क्यों होते हो बेटा, खुदा से दूं दीदार कराए। मेरे नियमों का पालन करना, ईश्वर से दूंगा मिलवाए।
पांच वक्त की नमाज पढ़ना बाबा को दीना बहकाए। एक साल तक पांच वक्त की नमाज लीनी अदा कराए, नमाज लीनी अदा कराए। जब दिन आया ईद मुबारक स्वामी देख के गए थर्राए, बकरे की गर्दन पर बैठे मुल्ला जी रे छुरा चलाए। स्वामी जी गुस्से में बोले, तुमने मुझको दियो बहकाए, रहम नहीं जब तुम्हारे दिल में, क्या दोगे दीदार कराए। दया नहीं है खुद के अंदर, दयाल दर्शन नहीं मिल पाए, पाया नहीं खुदा को खुद ने, मुझको कैसे दो मिलवाए, धोखा दिया है तुमने मुझको। साल दई बर्बाद कराए, छोड़ के मस्जिद बाबा धाए, संकट उन पे गयो गहराए, नंगे पामन भटकत डोले। स्वामी रुके कश्मीर में जाए, छाले पड़ गए थे पामन में, बाबा को कुछ भी न सुहाए, बचन दियो जो मैंने माँ को, मैं उनको ना सका निभाए, होकर व्यथित पड़े स्वामी जी, पाया अब खुद को असहाय, चढ़कर एक पहाड़ी ऊपर, मरने को मन लियो बनाए, मरने के अब पास अलावा दूजा कोई नहीं उपाय, आंखें बंद करी स्वामी ने, छलांग मरने दई लगाए, कथा सुनो अब तुम आगे की, सांची सांची रहो बतलाए, स्वामी जी के संग में गुजरी, रहो दासता आज सुनाए, सुनकर नहीं अचंभा करना, पूछियो सब स्वामी से जाए, स्वामी जी ने सब सुनाई, हमने कैसेट में दई गाए, कथा सुनो तुम अब आगे की, अचरज प्रभु ने दियो दिखलाए, कथा सुनो तुम अब आगे की। पनवाड़ी पकड़ लिया फिर स्वामी जी को, मरने से जिन लियो बचाए। पनवाड़ी बाबा ने पूछा, बेटा क्यों रहे प्राण गवाए, फूट फूट कर बाबा रोए, बिसरी दीनी कथा सुनाए। घबराओ ना अब तुम बेटा, पनवाड़ी रे धीर बंधाए, ईश्वर से मिलवाने वाला शीघ्र महात्मा भी मिल जाए। सुनकर पनवाड़ी की भाषा मन को गई शांति आए, स्वामी को विश्वास हुआ कुछ और पंजाब में पहुंचे जाए। घूम रहे थे ये गलियों में एक महात्मा बोले आए, खोज रहे हो जो तुम बेटा वो अकेले ही ना मिल पाए, मेरे भी वो पास नहीं है फिर भी दूं मैं भेद बताए, छह महीने के अंदर तुमको मिलवाने वाला मिल जाए। सुनकर स्वामी चलने लागे, तब बाबा ने लियो रुकाए, पड़े जरूरत तुमको धन की, विद्या एकदम मैं सिखलाए, लोहे से कंचन करने की विद्या इनको दई सिखाए। ले आशीष चले स्वामी जी और फिर पहुंचे दिल्ली जाए, सोच रहे थे बैठे स्वामी एक सेठ जी पड़े लखाए, अपनी गाड़ी की वो चाबी उंगली में थे रहे घुमाए, चाबी मांगी स्वामी जी ने सेठ पड़ो इन पे घुर्राए,
जान नहीं पहचान तुझे मैं अपनी गाड़ी दूंगा, अपनी गाड़ी दूंगा। स्वामी जी बोले मृदुवाणी, सेठ माफ कर दीजो अपराध, गाड़ी नहीं मुझ चाबी चाहिए। गुस्सा तुम मत करो अगाध, ये चाबी कंचन की कर दूं, मेरी पूरी करो मुराद। सेठ के मन में लालच आया, फिर ना कीनी तनक अवार, स्वामी जी को फिर चाबी दी, कंचन की दी उन्हें बनाए। देख अचंभित हुए सेठ जी, हाथ जोड़ करते फरियाद, बाबा इसका कंचन कर दो, जो गाड़ी में है फौलाद। बाबा बोले नहीं सेठ जी, तोड़ो ना मैं अपनी मुराद, मुझको एक अठन्नी चाहिए, और लो अपनी चाबी साध। बोला सेठ अठन्नी देकर, बाबा कर दीजो आवाज। स्वामी जी फिर हंस कर बोले, माफ करो मेरो अपराध, पहुंच गए दिल्ली स्टेशन, कैसे होंगे पूरण काज। लेकर टिकट कानपुर की ये, बैठ गए गाड़ी में आज, बैठत बैठत झपकी लागी, सपना हुआ एक इन आज। सुनो कहानी अब आगे की, स्वामी ने जो देखा आज, एक अलीगढ़ स्टेशन पर एक मानव दे रहो आवाज, आओ भ्राता जल्दी आओ, बैलगाड़ी में जाओ विराज, तुमको ही लेने आया हूँ। बाबा समझ सके नाराज, नींद खुल गई फिर बाबा की, सुनो ध्यान से संत समाज, कौन सा स्टेशन है भाई। स्वामी जी ने पूछा राज, कौन सा स्टेशन है भाई। लोगों ने स्वामी जी ने अपना लीना फिर सामान उठाए, सपना भी सच होता है क्या बात, आज मैं लूं अजमाए। स्वामी जी ने उतर के देखा, एक आदमी पड़ो लखाए, सपने में जो बुला रहा था वही आदमी रहो बुलाए। हुआ अचंबा बाबा जी को, बैलगाड़ी ढिंग पहुंचे जाए। स्वामी जी ने पूछा, भैया अपना दो तुम पता बताए। गाड़ीवान बोला, स्वामी जी मेरे पिता ने दयो पठाए, ग्राम चिरौली में रहता हूँ और तहसील गलास कहाए, बाट तुम्हारी जो रहा था मेरे पिता ने दयो पहुँचाए। अब तुम मेरे साथ चलो जी, अपने पिता से दऊ मिलाए। बैठ गए बैलगाड़ी में स्वामी, पहुंचे चिरौली गांव में जाए। गाड़ीवान ने स्वामी जी को अपने पिता से दियो मिलाए, देखते ही स्वामी जी उनके गिर चरणों में पछार खाए, फूट फूट कर रोने लागे, बाबा तुमने दियो बिसराए। ये थे वही पनवाड़ी बाबा, जिन स्वामी को लयो बचाए, काश्मीर की पहाड़ियों से छलांग मरने दीति लगाए। कथा समझने मेरे भक्तो, अपनो ले दिमाग चलाए। पनवाड़ी बाबा फिर बोले, बेटा क्यों रहे नीर बहाए, अब चिंता ना मन में करना, मैंने तुमको लियो बुलाए, मैंने तुमको लियो बुलाए।
लिया सीने से गुरु ने रख दीनो फिर सिर पे हाथ कठिन तपस्या करने लागे। पनवाड़ी बाबा के साथ बना लिया गुरु अपना इनको, मिली खुशी की ये सौगात घोर तपस्या की स्वामी ने। एक आसन पे दिन और रात भूल गए सब खाना पीना, दिन में आधी रोटी खात इसी तरह से स्वामी जी को। वर्ष बीत गए पूरे आठ, एक दिन फिर सिंहासन हाल्यो, भगवान सोचे क्या है बात, नजर घुमा देखा धरणी पर। करें तपस्या तुलसीदास, भगवान प्रसन्न हुए फिर भारी, आकर कर लीनी मुलाकात, दिए दर्श भगवान ने आकर। स्वामी जी फूले न समात, प्राप्त किया इनने भगवान को। याद आ गई अपनी बात, आज बहुत खुश हूँ मेरी मैया, हो गई तेरी पूरी बात, हो गए अंतर ध्यान प्रभु जी। स्वामी जी मन में घबरात, बुला लिया निज अपने गुरु ने, फिर उनको ऐसे समझात, जो दौलत मैंने तुमको दी है सारे जग में देना बांट, वो ही दौलत आज गुरु जी। मथुरा वाले रहे हैं बांट, ले जाओ भर भर के झोली, सबके बन जाए बिगड़े ठाट, जाकर खुद मंदिर पर देखो। खुशियों की होती बरसात, स्वामी जी के दर्शन से ही बिगड़े काम सभी बन जात, तू 84 के चक्कर से क्यों ना अपना फंद छुड़ात, तू 84 के चक्कर से। स्वामी जी की जीवन गाथा मैंने तुमको दई सुनाए, प्रभु नाम के बिना हमें अब धन और भोजन नहीं सुहाए। मथुरा दिल्ली मार्ग पे देखो विशाल मंदिर दियो बनवाए, ऐसा ही निज ग्राम के तौरा मैं दिनों निर्माण कराए। जय गुरुदेव है नाम प्रभु का, सबको दीना पाठ पढ़ाए। नाम दान की ले ओ अंगूठी, ध्यान का मोती ले ओ जड़ाए। सब सत्संग सुनो मेरे भैया, नैया सहज पार हो जाए। ध्यान वजन कर ले जो प्राणी, 84 से वो बच जाए। जिस पर कृपा करें स्वामी जी, उसका जन्म सफल हो जाए। दर पर उनके जो भी आए, कोई खाली हाथ न जाए। अंधों को ये नैना देते, बांजन की दे गोद भराए। कोड़ी को देते हैं काया, निर्धन दियो भंडार भराए। बच्चों की शिक्षा के लिए ये निशुल्क रहे स्कूल चलाए। सत्संगी लोगों को इनने मथुरा आश्रम दियो बनवाए। दुनिया भर की संगत आवे, सदगुरु के रहे दर्शन पाए। सिसोदिया ने कथा सुनाई, मैंने दीनी कलम चलाए। गलती मेरी क्षमा कर दी, जो रजो कूरा शीश झुकाए। जय गुरुदेव प्रेम से बोलो, अपनी रसना ले ओ हिलाए। शरण ले ओ सदगुरु स्वामी की, प्रभु के देंगे दर्श कराए। जो ना जाए शरण स्वामी की, भवसागर में गोता खाए। भवसागर में गोता खाए, भवसागर में गोता खाए, भवसागर में गोता खाए, भवसागर में गोता खाए।